जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज हमारे पास कुछ ऐसे कपल्स हैं जो माशाल्लाह मिसाली कपल्स कहलाते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग तब से देखी है जब से उनके बच्चे छोटे छोटे थे. हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, सो हमेशा वो एक दोस्त, दोनों मियाँ बीवी का, और दोस्त की शक्ल में ज़्यादा मुझे नज़र आए, और हमेशा ही बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी हमेशा नज़र आई. सो आज हमने कुछ ऐसे कपल्स को बुलाया हुआ जो कि मिसाली कपल्स हैं, और उनमें से सरे फहरिस्त ये कपल जिनको मैं अभी बुला रही हूँ. हस्बैंड जो है आपको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नजर आए अपने करियर में, साथ डायरेक्शन भी की है. बेगम जो है, मुझे तो हमेशा वो अपने हस्बैंड के साथ साथ ही नजर आई, और हमारी मुलाकात उनसे अक्सर दावतों में हुआ करती थी. सो मैं उनसे कहती थी आप दोनों क्या कजन्स हैं, हालांकि दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं, मगर वो जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो शक्लें मिलने लगती हैं. सो इनके साथ कुछ ऐसी ही कहानी हुई कि इनकी वाकई शक्लें मिलने लगती है. तो आइए बुलाते हैं मिस्टर एंड मिसेस शहूद अलवी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मजे में, फर्स्ट क्लास. ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. मैं हमेशा ये कहती थी आप बने एक दूजे के लिए. हाँ, आप दोनों बने माशाल्लाह माशाल्लाह. ये वैसे तो हर मियां बीवी के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आप लोगों की मतलब लाइक होता है ना कि कुछ एक खास अच्छी पॉजिटिव वाइब्स एज कपल आती थी, जो दोस्ती आप लोगों में थी, सो वो माशाल्लाह नजर आती है. वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन, अंदर कुछ भी चल रहा हो बाहर यही दिखाना होता है. हर कोई अच्छे से नहीं दिखा सकता, तो आप लोग बहुत अच्छी एक्टिंग. ये कमाल, मैं तो एक्टिंग करने वाली हूँ नहीं, ये है. अगर ये करते हो तो हो सकता है, मैं तो बिल्कुल जैसी हूँ वैसी ही नजर आती है. ये तो बहुत हमेशा से मासूम और इस टाइप की बेगम थी. ये भी एक्टिंग है, कोई नहीं, ये भी एक्टिंग है भाई. हम ड्रामे से रिलेटेड है तो लोगों को लगता है हर वक्त ड्रामा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं. हम ड्रामे को भी करने की कोशिश करते हैं तो करते हैं कि नेचुरल नेचुरल हो जाए, बिल्कुल जिंदगी की तरह, लेकिन लोगों को लगता है अब क्या कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं आपको आपसे पूछूंगी, फेजेस होते हैं ना जिंदगी के, बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो कभी तो मियाँ इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी इन इन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है. सबको पता है मियाँ कब अच्छे होते हैं. आपकी जिंदगी में आपको कौन सा फेज बेस्ट लगा, यानी जब नई नई शादी हुई, या फिर बच्चे हुए, या फिर वो ग्रो किए, या फिर जब बच्ची की शादी हुई? अलग अलग फेजेस आए ना जिंदगी के, वो आपके टेस्ट सारे आप लोगों ने इकट्ठे लिए हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग फेजेस आए, लेकिन सारे ही फेजेस बहुत अच्छे थे. इस वजह से कि शुरू मैं बोलूं कि शुरू जो है वो, चूंकि हमारी लव मैरिज हुई थी, तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं आता कि हमारी शादी हो गई. तो वो फेज बहुत अच्छा गुजरा. देन बच्चे हुए, तो इसके बाद बच्चों को भी इंजॉय किया. कुछ लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो वो तो इस तरह तो हुआ, लेकिन फिर भी ये कि हमने ओवरऑल ना माशाल्लाह माशाल्लाह हर दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा है. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप मार्क्स दें ना, 10 में से मार्क्स दें, तो वो कौन सी जिंदगी के स्टेज को आप सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे? जब कोई पॉइंट भी का फर्क है तो वो भी आप बता सकते हैं कंपैरेटिव. शादी के फौरन बाद का टाइम ज्यादा अच्छा था, या मिड मिड का कह सकती हूं मैं, मिड का, जब बच्चे-बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, जब वैसे भी 10 इयर्स यूं कह सकते हैं, बच्चे तो शुरू में ही हो गए. आसरा ही नहीं किया मैंने, दबांग दबूंग. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवाय डिजिटल्स YouTube चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स.